पाई नेटवर्क में एक नया अपडेट आ चुका है इंटरव्यू विद पाई फाउंडर निकोलस कैकुलिस, और ये अपडेट 8 नवंबर को आया था। और इस अपडेट को हम लोग डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्टली समझेंगे, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले भी इनका ये अपडेट आ चुका है। देखिए पिछली बार जो अपडेट आया था उसमें पाई फाउंडर का इंटरव्यू लिया गया था, उसमें बहुत सारे सवाल किए गए थे पाई फाउंडर से, उन सारे सवालों के जवाब पाई फाउंडर ने दिए थे और वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। और यहाँ पर भी समझे कि उसी तरीके का ये अपडेट है, डॉक्टर निकोलस जो कि पाई के फाउंडर है उनसे इंटरव्यू लिया गया है, यानी कि उनका इंटरव्यू लिया गया है और उनसे बहुत सारे सवाल किए गए हैं। सवाल किस तरीके से वो समझ लेते हैं। सवाल किए गए हैं कि आखिर आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, किस तरीके से आप इसे आगे ले जाएंगे, विजन क्या है पाई नेटवर्क का, किस तरीके से ये मार्केट में परफॉर्म करेगा, इकोसिस्टम, ये सारे सवाल किए गए हैं पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस से। और अगर आप इनके इस वीडियो को जो इंटरव्यू हुआ है उसे आप पूरा सुनना चाहते हैं तो यहां पर इंटरव्यू जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक करके आप पूरा इसे सुन सकते हैं। अब यहां पर जो मेन सवाल आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में, वो ये कि ये सारी अपडेट तो सही है, चलिए ये अपडेट बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो मेन इशू है केवाईसी का, उसका अपडेट आखिर क्यों देखने को नहीं मिलता है, विड्रॉवल का अपडेट हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है, एक्सचेंज लिस्टिंग का कोई न्यूज या कोई अपडेट क्यों नहीं आता है, आखिर क्यों सिर्फ इंटरव्यू का अपडेट या इस तरीके से अपडेट हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है वो जो हमारी असल प्रॉब्लम है उस पर क्या काम नहीं कर रहे, ये सारे सवाल आप लोगों के मन में जरूर आएंगे और कमेंट में आप लोगों के सवाल हमेशा आते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी सी लेट बनाई ताकि आप लोग के जो सवालों के जवाब है वो हम आपको दे सके, और ये है सवाल, असल मायनों में ये सवाल है और इसका जवाब मिलना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसा अपडेट आता है लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग केवाईसी का हमें अपडेट नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केवाईसी की, आखिर केवाईसी का कोई अपडेट नहीं आ रहा है और केवाईसी बहुत सारे लोगों की पेंडिंग में पड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों की केवाईसी आई ही नहीं है और अभी के टाइम में केवाईसी तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है, मतलब कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके पास केवाईसी का इन्विटेशन जा रहा है। तो ऐसा क्यों, देखिए मैंने आपको कुछ समय पहले एक अपडेट दिया था, यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहां पर प्रोफाइल पर जब आप आएंगे तो देखिए मैंने आपको कुछ समय पहले एक अपडेट दिया था कि यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो केवाईसी का ऑप्शन है यहां पर एक ग्लिच चल रहा है, यानी कि जो भी कहें यहां पर सिर्फ गोल गोल यानी कि पेंडिंग सिर्फ होता है, यहां पर गोल 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 ही घूमते रहता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या ऑप्शन है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केवाईसी। तो अगर पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था प्रॉब्लम, पहले सारा कुछ यहाँ पर सही था, लेकिन कुछ समय से ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये ग्लिच हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाई नेटवर्क पीछे में अपना सारा काम कर रही है, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, इससे हमें साफ साफ यही पता चलता है। क्योंकि देखिए अगर ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, वो अपना काम बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाँ लेकिन बात यह है कि टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा भी, और मैंने आप लोगों से कहा कि यूजर बहुत ज्यादा है तो टाइम लगेगा। तो ये रही केवाईसी की बात, यहां से तो साफ साफ पता चल गया कि हाँ वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं लेकिन कोई अपडेट आखिर क्यों नहीं देखने को मिलता है। देखिए अपडेट का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि देखिए यूजर बहुत ज्यादा है, 40-45 मिलियन इसके यूजर है, 35-45 मिलियन यूजर है, तो आखिर क्या ये अपडेट देंगे बैक टू बैक। यूजर इतने ज्यादा है तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं होगी, बहुत ही बड़ी संख्या में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये बारी बारी से केवाईसी का अपडेट देते रहेंगे तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं है, सिर्फ अपडेट पर अपडेट अपडेट पर अपडेट देते हैं, कोई असल मायनों में ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। तो इसीलिए केवाईसी का हमें अपडेट देखने को नहीं मिलता है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि विड्रॉल एक्सचेंज लिस्टिंग, इसका भी कम से कम तो अपडेट देना चाहिए कि फ्यूचर में किस एक्सचेंज पर लॉन्च करेंगे, किस तरीके से इसका मार्केट प्लेस ओपन होगा, आखिर इसका कोई अपडेट हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए जब तक लोगों की केवाईसी नहीं हो जाती तब तक मेरे हिसाब से कोई भी मार्केट प्लेस कोई भी एक्सचेंज पर लिस्टिंग की बात भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो केवाईसी है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और केवाईसी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, और अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग केवाईसी नहीं कर पाए हैं, उनके पास केवाईसी का इनविटेशन आया ही नहीं है। जी हां दोस्तों, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है, वो लोग अभी फंसे हुए हैं। तो जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक एक्सचेंज लिस्टिंग का कोई बात ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा। तो इसीलिए कोई भी अपडेट हमें ना ही एक्सचेंज लिस्टिंग का देखने को मिलता है, ना ही पाई के मार्केट प्लेस का हमें देखने को नहीं मिलता है। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक और डाउट आएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट प्लेस का अपडेट देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारे अपडेट आए हैं, हां ये बात सही है, पाई मार्केट को लेकर बहुत सारे अपडेट आए हैं, लेकिन ऑफिशियली क्या कोई अपडेट आया है? नहीं, ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने कोई भी अपडेट नहीं दिया अपने मार्केट प्लेस को लेकर, या कोई भी वेबसाइट को लेकर, या शॉपिंग मॉल को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि केवाईसी। जी हां दोस्तों, मेन जो अभी प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केवाईसी। जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक विड्रॉल स्टार्ट नहीं होगा, जब तक विड्रॉल स्टार्ट नहीं होगा तब तक इसका मार्केट प्लेस ओपन नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने में आखिर टाइम कितना लगेगा? तो देखिए हम आपको सच्चाई बताएं तो जब तक केवाईसी नहीं हो जाती, देखिए जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होती है ना, मतलब केवाईसी अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट होने लगी बहुत ही अच्छे तरीके से, तो 2-3 महीने
के अंदर इसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर इसका मार्केट भी ओपन हो जाएगा, एक्सचेंज लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो केवाईसी में जितना टाइम लगना है उसी में लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। अब केवाईसी में 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 4 महीने लगे या 5 महीने लगे, तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है कि केवाईसी में ही जो टाइम लगना होगा लगेगा, इसके अलावा मार्केट ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन है जो कि पाई मार्केट प्लेस ओपन कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कि अपने शॉप पर पाई को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी अपडेट हम लोगों ने देखा है और वो सारे रियल अपडेट है, वो सारे रियल है। जो जितना भी ट्विटर पर हम लोग फोटो देखते हैं उसमें से मैक्सिमम रियल है, बहुत सारी कंट्रीज से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पाई को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपना मार्केट प्लेस खोले हुए हैं। तो देखिए, जो मार्केट प्लेस खुला हुआ है वो एक इंडिविजुअल पर्सन ने खोला है, कोई ऑफिशियल यानी कि पाई का फाउंडर या पाई को टीम ने नहीं खोला है। तो अगर इंडिविजुअल पर्सन चाहे तो वो पाई को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है या चाहे तो मार्केट प्लेस भी ओपन कर सकता है, और वो सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो देखिए, अगर इंडिविजुअल पर्सन पाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट इतने बड़े स्केल में, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्री में, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि अगर इंडिविजुअल पर्सन इतने ज्यादा पॉजिटिव है पाई नेटवर्क को लेकर, वो अभी से ही पाई को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जब ऑफिशियली इसका मार्केट प्लेस ओपन होगा तो उस समय सोचिए कि क्या धमाका होगा, कितना बड़ा मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा और उस वक्त आपको वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग पेशेंस बनाए रखें, रेगुलर माइनिंग करते रहें, जो भी अपडेट रहेंगे, जो भी हम लोगों की काम की अपडेट रहेगी, वो सारी अपडेट हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि मान लीजिए वीडियो आने में लेट हो जाए तो अपडेट आपको टेलीग्राम से मिल जाए। और पाई मार्केट को लेकर या कोई भी ट्विटर पर कोई भी अपडेट चलता है, वो सारी अपडेट हम आपको ट्विटर पर पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो खत्म करने से पहले, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि इसकी प्राइस ज्यादा नहीं होगी। देखिए, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि इसकी प्राइस ज्यादा नहीं होगी। जो चीजें आप पाई नेटवर्क में देखते हैं या जो चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी है या जितने भी मार्केट प्लेस ओपन हुए हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन ने खोले हैं, बहुत सारे शॉप भी ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है पाई को, बहुत सारे शॉप हैं, तो यही सारी चीजें अगर आप देखें तो इसकी प्राइस का अंदाजा आपको लग जाएगा। जितने यूजर हैं उसके हिसाब से देखेंगे, जो सप्लाई है उसके हिसाब से देखेंगे, तो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो अगर हम अपना ओपिनियन देखिए इसकी प्राइस हो क्या सकती है, तो देखिए यहां पर भले ही हम लोग को लंबा इंतजार करना पड़े, भले ही लंबा टाइम हम लोग को देना पड़े, लेकिन जो इससे रिटर्न मिलेगा वो उससे कई गुना ज्यादा होगा। जो हम लोगों ने इंतजार किया है उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि भले ही यहाँ पर टाइम लगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू देखने को मिलेगी, एक पाई की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, वो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब इसका मार्केट प्लेस ओपन होगा। और आप अपने अकॉर्डिंग पाई की प्राइस कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं, ताकि सारे लोगों को पता चलेगी कि एक पाई की प्राइस क्या होगी। और बहुत सारे लोगों ने इसमें माइनिंग स्टॉप किया, तो आप सारे लोग माइनिंग स्टार्ट कर दें, रेगुलर माइनिंग करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ट्विटर पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।